good morning students students today we are going to read our 15th chapter of english grammar book our 15th chapter is punctuation punctuation means viramchin. punctuation means the right use of putting marks like comma question mark exclamatory sign etc marks that are used to separate two phrases or sentences to end the sentence and to show the एक्सप्रेशन कि विराम चिन्ह का मतलब है इन सभी मार्क्स को जो ये कोमा है क्वेश्चन मार्क है एक्सक्लामेटरी साइन है इन सभी मार्क्स को सही तरीके से लगाकर किसी भी वाक्यांश को या वाक्य को अलग करना कि जब भी हम कोई सेंटेंस या कोई प्रेज फ्रेज लिखते हैं तो उसमें इन मार्क्स की सहायता से हम उन वाक्यों या वाक्यांशों को अलग कर सके देर आर वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स हमारे कई जो हैं चिन्ह कई प्रकार के होते हैं सबसे पहले हमारा फुल स्टॉप फुल स्टॉप इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट इज यूज टू एंड द सेंटेंस की फुल स्टॉप वो विराम चिन्ह है जिसके द्वारा हम वाक्य को खत्म करते हैं या वाक्य के अंत में लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी इन क्लास थर्ड यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप आया कि मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है ख़त्म हो गया तो हमें एंड में क्या लगाना है फुल स्टॉप लगाना है इसका मतलब है कि ये यह सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होता है वी आर सिटिंग इन इंग्लिश ग्रामर क्लास कि हम इंग्लिश ग्रामर क्लास में बैठे हैं यहाँ पर हमारा जो है सेंटेंस खत्म हुआ तो यहाँ पर क्या आया फुल स्टॉप आया स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि आपको भी अपने इंग्लिश के पेपर में जब भी लिखते हो तो आप फुल स्टॉप का यूज़ बहुत कम करते हो जिसके मार्क्स भी आपके कट जाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको ये लेसन भी ध्यान से रीड करना है क्योंकि ये आपके आने वाले टाइम के लिए भी ज़रूरी है बो द अब सेंटेंसेज आर एंड विदचुएशन मार्क फुल स्टॉप की ये दोनों सेंटेंसेज हैं वो पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप के साथ खत्म होते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क इज द पंक्चुएशन मार्क दट इज यूज वाई आस्किंग एनी क्वेश्चन की क्वेश्चन मार्क विराम चिन्ह का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं कोई क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली ऑल द क्वेश्चन एंड विद क्वेश्चन मार्क्स ओनली जितने भी आमतौर पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ ही केवल क्वेश्चन मार्क के साथ ही खत्म होते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो लास्ट में क्या आया हमारा क्वेश्चन मार्क वट इज़ द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म टाई आपकी यूनिफॉर्म टाई का क्या कलर है ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं क्वेश्चन हैं इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो एंड में हमारा क्या आएगा क्वेश्चन मार्क बोथ ऑफ दबेंगे जो ऊपर दिए गए दोनों जो सेंटेंसिस हैं वो क्वेश्चन हैं और इसमें एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है नेक्स्ट है हमारा अपोस्ट्रोफीस द पंक्चुएशन मार्क अपोस्ट्रोफी इज यूज इन थ्री टाइप्स ऑफ केसेस की जो अपोस्ट्रोफी है हमारा ये तीन जगहों पर तीन बातों पर लागू होता है इट इज़ यूज टू जॉइन प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब्स टू शोट एंड दम कि इनका इस्तेमाल हमारी प्रोनाउन यानी सर्वनाम और हेल्पिंग वर्ब को छोटा करने के लिए किया जाता है फॉर एग्जाम्पल इट इज माई इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस बुक कि ये मेरी इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस बुक है इसको हम इस तरीके से आई को कट करके यहाँ पर अपोस लगा देंगे तो इट्स माई इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस बुक इस तरीके से लिख सकते हैं इन द अबव एग्जाम्पल प्रोनाउन इट इज़ ज्वाइन विद हेल्प हेल्पिंग वर्ब इज टू शोर्टन दैम इट इज रिटर्न एज इट्स कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये इट हमारा प्रोनाउन है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको शोटन रूप में करके इस तरीके से लिख सकते हैं सेकेंड है, है हमारा इट इज़ यूज टू मेक द नंबर ऑफ एब्रीविएशन एज प्लूरल कि हम इसका इस्तेमाल जो हमारी संख्या है उसको संक्षिप्त रूप में जो हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है उसको संक्षिप्त करने में छोटा करके लिखने में यूज़ करते हैं जैसे नाइन को हम ऐसे अपोस्ट ऑफी एस लगा के एम एज एम एल एज इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं टू शो टू इट इज यूज टू शो पोजेशन पोजेशन मीन्स अधिकार कि इसका इस्तेमाल हम किसी का अधिकार किसी चीज पे किसी का अधिकार दर्शाने के लिए करते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केक ऑफ अर बर्थडे कि यह अरियंत का बर्थडे केक है द अब एग्जाम्पल शोज अरिहंस पोजेशन ऑन द केक यहाँ पर अरिहंत का अधिकार केक पर दिखाया गया है नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेट्री मार्क एक्सक्लामेटरी मार्क इज एन एक्सप्रेशन मार्क जो एक्सक्लामेटरी यानी विस्म्यादि बोधक भी कहा जाता है इसको ये एक ऐसा चिन्ह है जिसका इस्तेमाल हम एक्सप्रेशन यानी हमारे भावों को दर्शाने के लिए करते हैं जिसमें हमारा कोई भाव दिखाई देता है इट इज शो द स्ट्रेंज एक्सप्रेशन और हैप्पी एक्सप्रेशन एक्स एक्सेट्रा यह हमारा कोई स्ट्रेंज यानी हैरानी वाला एक्सप्रेशन या खुशी वाला एक्सप्रेशन इत्यादि दर्शाता है एग्जाम्पल हुर्रे आई हैव बीन प्रोमोटेड इन द नेक्स्ट क्लास हुर्रे यानी वो यहाँ पर खुशी दर्शाई गई है जैसे आप खुश होकर बोलते हैं कि हुर्रे कि मैं अगली कक्षा में जा चुका हूँ या अगली कक्षा में प्रमोट हो चुका हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका पंक्चुएशन वाला लेसन जो है वो कंप्लीट होता है अगर आपको इस लेसन में कोई भी डाउट्स हैं तो जिस टाइम भी आपकी गूगल मीट क्लास होती है आप उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है थैंक यू